ओके सो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे टू स्टोर मार्क्स ऑफ फोर स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट्स मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स एंड जस्ट टेक वन सब्जेक्ट कंप्यूटर फाइन एंड देन प्रिंट एवरेज ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट. ये हमारा क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन है क्या, फोर स्टूडेंट मान लो ए बी सी डी, इन सबका तुम्हें मार्क्स स्टोर करना है. किस किस सब्जेक्ट का? मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर. सो कैसे होगा? चार स्टूडेंट है तो रो चार होगा. सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट भी चार है तो कॉलम भी चार होगा, राइट? तो हमारा एक एरे, ये हमारा एरे बनेगा फोर इंटू फोर का, जिसमें फोर रो और फोर कॉलम है. अब इसमें हम उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो ए का मार्क्स तुमने स्टोर कर दिया, मैथ्स में एट है, मान लो आउट ऑफ टेन है सब सारे मार्क्स, केमिस्ट्री में फाइव है, फिजिक्स में टू है, कंप्यूटर में सिक्स है, देन बी का मैथ्स में टेन है, केमिस्ट्री में नाइन है, फिजिक्स में नाइन है, कंप्यूटर में टेन है, देन सी का मैथ्स में वन है, केमिस्ट्री में टू है, फिजिक्स में फाइव है, कंप्यूटर में फोर है, देन डी का मैथ्स में टेन, केमिस्ट्री में नाइन, फिजिक्स में टेन, कंप्यूटर में टेन. तो पहला काम तुम्हें करना है, एक एरे क्रिएट करना है. स्टूडेंट कितने हैं? फोर. और सब्जेक्ट कितना है? फोर. तो मतलब फोर इंटू फोर का एरे, टू डायमेंशनल एरे. दूसरा, इनपुट लेके सबका मार्क्स फिल करना है यूजर इनपुट से. एंड थर्ड, हर स्टूडेंट का एवरेज प्रिंट कर देना है. ए के मार्क्स का एवरेज कितना हुआ, बी के मार्क्स का एवरेज कितना हुआ, सी का कितना हुआ, डी का कितना हुआ. समझ में आया सबको क्वेश्चन? यस सर. चलो करते हैं. So, is user input, मैंने टू डायमेंशन एरे में यूजर इनपुट बताया कि नहीं अभी? नो सर. चलो इसमें बता दूंगा. सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, देन क्लास, क्लास का नाम जिस नाम से हम सेव किए हैं, किस नाम से सेव किए हैं, टू डी एरे, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर. अब इसमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा क्योंकि हमें इनपुट लेना है. सो स्कैनर एस सी एस साइन विद न्यू स्कैनर, देन पैरेंथेसिस, क्या है भाई, इन पैरेंथेसिस सिस्टम डॉट इन. ओके अब हम क्या करेंगे, पहले एक 4 इंटू 4 का एरे क्रिएट करेंगे. मार्क्स तो पॉइंट में भी हो सकता है ना, तो एरे डबल टाइप का होगा. तो पहले एरे डिक्लेरेशन, मैं स्टेप तुम लोग को बता चुका हूं. पहला स्टेप क्या होगा, डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन. कैसे डिक्लेयर करेंगे, पहले एरे का टाइप डबल, देन एरे नेम दे लो मार्क्स, देन दो बार स्क्वायर ओपन क्लोज. ये हमारा एरे डिक्लेयर हो गया. अगला स्टेप, एरे को क्रिएट करेंगे. याद करो वन डायमेंशन एरे में जब यूजर इनपुट लेना था तो पहले क्रिएट करते थे, उसी तरह यहां क्रिएट करेंगे. सो क्रिएटिंग एन एरे. तो क्रिएट कैसे करेंगे, एरे का नाम क्या है, मार्क्स, असाइन विथ न्यू, बिल्कुल जैसे वन डायमेंशन में करते थे,
फिर टाइप, तो टाइप क्या है, रेखा डबल। इसके बाद जो दो बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ रो जो कि 4 ही है, और दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम वो भी 4 है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। जब कंप्यूटर इस लाइन को रीड करेगा डबल मार्क्स, तो मान लो इधर हमारा मेमोरी है, मेमोरी पे क्या करेगा, एक स्पेस लोकेट कर देगा मार्क्स नाम का। और जब इस लाइन में आएगा, जब न्यू डबल 4 4, मतलब हम कंप्यूटर न्यू मतलब क्या, मेमोरी एलोकेट करो, किस टाइप का करो, डबल टाइप का, कितना करो, 4 रो और 4 कॉलम। तो इस तरीके का मेमोरी एलोकेशन कंप्यूटर पे हो जाएगा। इंडेक्सिंग हो जाएगी, रो का कैसे, 0 1 2 3, कॉलम का कैसे, 0 1 2 3। और अब देखो ए स्टोर किस में हो रहा है, मार्क्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर मेमोरी पे क्या करेगा, जो हमारा एरे जहां पे क्रिएट किया है उसका एड्रेस मार्क्स में स्टोर कर देगा। फाइन, अब हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। सो एक पहले मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। देन फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई एन टी आई असाइन विथ 0, क्योंकि रो 0 से स्टार्ट होता है, आई लेस देन कितना, रो कितना है, 4 ना, तो 4 लेस देन, क्योंकि 3 तक ही जाना है, अगर नंबर ऑफ रो 4 है तो लास्ट रो का इंडेक्स 3 होगा, 4 से एक कम, जिसको जहां पे नहीं समझ में आएगा बता देना। देन आई को हर बार एक इंक्रीज करना होगा, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर एक और फॉर का यूज करेंगे, तो फॉर देन यहाँ पे जे ले लेते हैं, जे असाइन विद 0, क्योंकि कॉलम भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, देन जे लेस देन 4, नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है, लास्ट इंडेक्स 3 है तो लेस देन 4 होगा, देन जे प्लस प्लस। एंड देन इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल एरे का नाम क्या है, मार्क्स, उसी में एरे का एड्रेस है, सो मार्क्स यहाँ पे आई मतलब पहले रो नंबर, फिर जे कॉलम नंबर, असाइन विद एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, सॉरी नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल, ये हो गया। हम चाहे तो हर स्टूडेंट का, जैसे स्टूडेंट ए बी सी मान लो ऐसे नाम है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, मान लो हम मैसेज ऐसे देना हो, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट सी, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लो, कैर स्टूडेंट, और इसमें ले लो अपर केस में ए, ठीक है, और अब यहाँ पे फॉर के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फिर प्लस एस टी यू, तो क्या प्रिंट करेगा, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए। बट उसके बाद जब ये इनर लूप पूरा चल जाएगा, तो मतलब पहला रो फिल हो गया, स्टूडेंट ए का मार्क्स फिल हो गया पूरा, तो अब क्या, अब हमारा एस टी यू की वैल्यू बी हो जानी चाहिए ना, तो सिंपल यहाँ पे एस टी यू प्लस प्लस। अब तुम बोलोगे भाई यहाँ प्लस प्लस का क्या मतलब है, सो हालांकि मुझे डाउट है कि यहाँ पे बाई डिफॉल्ट काम करेगा कि नहीं, या फिर इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना होगा, तो बट ठीक है करते हैं पहले। सो एस टू यू में क्या है, ए है ना, तो ये क्या है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, तो एक ही जो तुम्हारी यूनिकोड वैल्यू होती है कितनी होती है, 65। तो जब यहाँ एस टी यू प्लस प्लस हम करेंगे तो क्या करेगा, उसकी यूनिकोड वैल्यू को एक बढ़ा के 66 कर देगा, ठीक है, यानी 66 मतलब क्या, बी हो जाएगा। तो आई डोंट नो ऐसे वर्क करेगा कि टाइप कास्ट उसको करना पड़ेगा, अभी रन कराएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देन तुम चाहो तो यहाँ पे भी मैसेज दे सकते हो, सारे सब्जेक्ट का एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, तो वो कैसे करेंगे, तो बताएगा,
चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले एरे का प्रोग्राम कर लेते हैं क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। फाइन, इतना हो गया, हमने इनपुट ले लिया, अब क्या करना है, हमें एवरेज निकाल के प्रिंट करना है। तो एवरेज निकालने से पहले चलो पहले पूरे एरे को हम प्रिंट कर लेते हैं एक बार। सो फॉर आई एन टी के असाइन विद जीरो के लेस देन फोर देन के प्लस प्लस और फिर इसमें फॉर आई एन टी एम असाइन विद जीरो देन एम लेस देन फोर देन एम प्लस प्लस एंड देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और फिर यहां पे मार्क्स और मार्क्स में क्या, पहले रो नंबर तो के और फिर कॉलम नंबर तो एम। अब हर रो के प्रिंट करने वाला लाइन भी चेंज करना है ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अंदर कुछ नहीं होगा और यहां से ln हटा दो इस, क्योंकि एक लाइन में प्रिंट करना है और स्पेस दे दो। चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो सेव, टर्मिनल ओपन करते हैं। सो सीडी डेस्कटॉप। सर हाँ बोलो। सर कुछ नहीं सर, सही है। सो टू डी एरे, देखते हैं एरर आता है कि नहीं, नहीं आया। देन जावा टू डी एरे, देखो एंटर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, enter the marks of a student A, right? 10, 9, 8, 7. enter the marks of a student B, जो हमने किया था काम कर रहे हो, 1, 4, 2, 8. enter the marks of a student C, 3, 10, 7, 8. enter the marks of a student D, 0, 8, 1, 7. देखो सारा प्रिंट कर दिया, पॉइंट जीरो में कर रहा है क्योंकि चाहो तो मैं और एक स्पेस दे ऐसा। ये समझ में आया ना आउटपुट? यस सर। सब में पॉइंट जीरो लगा दिया है क्योंकि अरे डबल टाइप का है, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? सर लास्ट वाला सर जो चलाया फॉर लूप के और एम वाला सर वो किस लिए था? ये प्रिंट करने के लिए। आउटपुट कहाँ से आ रहा है, ये जो आउटपुट है कहाँ से आ रहा है? नहीं समझे? नहीं सर समझ गए सर, ये मतलब आउटपुट लाने के लिए सर फॉर चलाते हैं एक और बार। हाँ इस वाले फॉर में तो हम, इस वाले फॉर में तो हम इनपुट ले रहे हैं ना, देखो क्या होगा। नहीं समझ में आया तो देख लो। सो देखो मैं लाइन बाय लाइन बताता हूँ पूरा इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके। तो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन इसके अंदर का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर एसटीयू में ए चला जाएगा, फिर जब ए लाइन एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम का मतलब क्या, हमारा कंप्यूटर मतलब प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर हर लाइन को रीड करता है और ए लाइन है क्या, इसमें कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के दिया गया है, तो कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और जो बोला गया है जाके कंप्यूटर की मेमोरी पर वो काम करता है। तो इस लाइन में डबल मार्क्स क्या बोला गया है, हम जावा में कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि मेमोरी पे एक मार्क्स नाम का स्पेस लोकेट कर दो, ये कर दिया। फिर अगले लाइन में हम क्या बोल रहे हैं, न्यू डबल, न्यू का मतलब मेमोरी एलोकेट करो। ओके किस टाइप का मेमोरी एलोकेट, डबल टाइप का, कितना, तो चार रो चार कॉलम। तो कंप्यूटर जाएगा यहां पे चार रो और चार कॉलम और वो सबकी इंडेक्सिंग कर देगा, 0 1 2 3 0 1 2 3। फिर देखो फिर हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, न्यू डबल को तुम स्टोर कर दो मार्क्स में। तो इसका मतलब कंप्यूटर का क्या समझेगा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना,
तो रैम पे क्या करेगा, ये जो हमारा एरे क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस मार्क्स में स्टोर कर देगा। फिर system.out.println to enter the marks of the student मैसेज प्रिंट करेगा। देखो सबसे पहले वही किया था यहाँ पे, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद लूप के अंदर जाएगा, जब लूप के अंदर जाएगा तो अब देखो यहां ध्यान देना, आई की वैल्यू जीरो, जीरो लेस देन फोर, लेस देन फोर इक्वल टू फोर क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि यहां पे हमें इंडेक्स से मतलब है और जो आउटर फॉर है वो रो के लिए चलता है और रो का इंडेक्स देखो क्या है, जीरो वन टू, यहां देखना डायग्राम में जीरो से थ्री तक, यानी अगर नंबर ऑफ रो फोर है तो लास्ट वाले रो का इंडेक्स हमेशा फोर से एक कम थ्री होगा क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। उसी तरह नंबर ऑफ कॉलम अगर फोर है तो लास्ट वाले कॉलम का इंडेक्स थ्री होगा क्योंकि इंडेक्स सबका जीरो से स्टार्ट होता है। फिर अंदर आएगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एसटीयू, तो एसटीयू में क्या है, देखो यहाँ पे ए है ना, तो मैसेज आएगा एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए, देखो यहाँ पे यही मैसेज दिया एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए। उसके बाद फिर अंदर आएगा, अब एक और फॉर आ गया फॉर के अंदर, तो अब इसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। मैंने बताया था नेस्टेड फॉर का कंसेप्ट, अगर नहीं पता तो पहले उसको पढ़ लेना। सो जे में जीरो है, सबको क्लियर है ना नेस्टेड फॉर का कंसेप्ट? यस सर, यस। तो जे में जीरो भाई, कंप्यूटर आउटर फॉर के अंदर जब आएगा तो इनर फॉर में फंस गया। अब यहाँ पे क्या है, जे में जीरो, देन कंडीशन चेक करेगा जीरो लेस देन फोर, कंडीशन ट्रू, इनर फॉर के अंदर आएगा। अब पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, इनपुट मांगेगा। सपोज तुमने इनपुट दिया 13, तुमने कितना इनपुट, 13 नहीं सॉरी 8, तो नेक्स्ट डबल क्या करेगा, 8 को कहाँ स्टोर करेगा, मार्क्स में। तो मार्क्स, ये हमारा मार्क्स है, मार्क्स में किसका एड्रेस है, एरे का, एरे में जाएगा। तो एरे में कहाँ, आई और जे पे। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, देखो जीरो है, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू भी जीरो है, यानी मार्क्स में जो यहाँ पे एरे में जीरो जीरो पे, यानी कि 8 यहाँ पे स्टोर हो गया। देखो रो जीरो कॉलम जीरो। उसके बाद अभी इनर फॉर ही कंटिन्यू होगा, फिर कहा जाएगा इनर फॉर के अपडेशन पे जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब 1 लेस देन 4, कंडीशन फिर ट्रू, फिर अंदर आएगा। अब आई में तो अभी भी जीरो है लेकिन जे 1 हो चुका है, तो अब यूजर जो भी एंटर करेगा, सपोज यूजर ने 5 एंटर किया तो कहा जाएगा, मार्क्स में, मतलब मार्क्स में किसका एड्रेस है, एरे का। तो एरे में कहा 0 1 पे, तो 0 रो सेम है बट कॉलम चेंज हो गया 1 यहां पे 5। फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, तो 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा। अब मार्क्स आई में तो अभी भी 0 है, जे में 2 है, तो अब मान लो 4 स्टोर किया, एंटर किया, तो 4 कहां जाएगा, 0 और कॉलम 2 यहां पे। फिर जे की वैल्यू 3 होगी, फिर कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा। आई में 0 है, जे में 3 है, अब मान लो यूजर ने 10 स्टोर किया तो 10 कहां जाएगा, यहां 0 यहां। उसके बाद फिर J++ अपडेशन पे जाएगा, तो J का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो J का वैल्यू जब 4 होगा तो 4 लेस देन 4, भाई 4 4 से छोटा नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स, कंप्यूटर इनर फॉर के बाहर निकल जाएगा, जो इनर फॉर है, कंप्यूटर यहां आ चुका है अब STU++ पे। तो STU में कितना है, यहां देखो STU में A है, A की यूनिकोड वैल्यू होती है 65, तो भाई ये 60 क्या करेगा, पहले तो STU में जो कैरेक्टर टाइप का वैल्यू A है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा 65 में, और फिर प्लस प्लस एक वैल्यू बढ़ा देगा, यानी कितना कर देगा 66, और फिर बाय डिफॉल्ट तो क्या हो जाएगा, 66 का कैरेक्टर वैल्यू क्या होता है, B, क्योंकि एट द एंड STU क्या है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो B हो जाएगा। देन उसके बाद अब फिर आउटर फॉर कंटिन्यू होगा ना यार, इसके बाद आउटर फॉर कहां जाएगा, अपने अपडेशन पे आई प्लस प्लस, तो अब आई की वैल्यू 1, फिर कंडीशन चेक होगा तो 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा। अब फिर से अंदर वाला फॉर स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होगा, जे में फिर 0 आ गया, अब फिर ये चलेगा, आई की वैल्यू 1 रहेगी हमेशा, जे की वैल्यू पहले 0 होगी, मतलब यहां डेटा स्टोर होगा, देखो यहां डायग्राम में मैं स्ट्रिक बना रहा हूं, फिर आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 1, मतलब फिर यहाँ पे स्टोर होगा, फिर जे की वैल्यू 2 होगी तो 1 2 यहाँ पे स्टोर होगा,
फिर 1 3 यहाँ पे स्टोर होगा, फिर जब जे की वैल्यू 4 होगी तो एक कंडीशन फॉल्स होगा, उसके बाद कंप्यूटर फिर कहाँ आएगा, एस टी यू प्लस प्लस पे, तो एस टी यू की वैल्यू सी हो जाएगी 67, फिर आउटर फॉर के अपडेशन पे जाएगा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 2, 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा, फिर जे में 0 आ गया, अब आई की वैल्यू 2 ही रहेगी बट जे पहले 0 होगा, तो यहाँ 20 पे, फिर 21 पे, फिर 22 पे, फिर 23 पे, फिर उसी तरह जब आई की वैल्यू 3 होगी आउटर फॉर में तो फिर इनर फॉर में आएगा, फिर 30 31 32 33, उसके बाद फाइनली जब आउटर फॉर में आई की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा, 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, बाहर निकल जाएगा। सबको समझ में आया इतना? यस सर। और इस नीचे वाले फॉर में हम बस सेम चीज है, ऊपर बिल्कुल ऊपर वाला फॉर ही है, सब वैसे ही हो रहा है, बस यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनपुट की जगह प्रिंट कर रहे हैं। देखो k की वैल्यू 0 अंदर लूप में आएगा, तो m की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगा, m लेस देन 4 3 तक, तो 0 1 क्या प्रिंट करेगा 8, फिर 0 2 क्या प्रिंट करेगा 5, मतलब पॉइंट 0 लगाता जाएगा, डबल टाइप का है, फिर 0 3 फिर 0 4, उसी तरह जब k की वैल्यू 1 होगी तो फिर क्या प्रिंट करेगा मार्क्स में 1 0 1 1 1 2, आ गया समझ में? यस सर। सुरेश तुम्हें क्लियर हुआ? यस। ओके, तो ये तो हमारा प्रिंट का। अच्छा, मैं एवरेज निकालना हो तो सिंपल है, ये देखो ए वाला फॉर क्या कर रहा है, पूरा का पूरा एक, ये जो फॉर है पूरा हमारा एक रो को एक्सेस कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो डबल सम असाइन विथ सम प्लस मार्क्स के, हालांकि ऊपर वाले हम नेस्टेड फॉर्म में ही कर सकते थे, के एम, इससे क्या होगा, इस पूरे रो का सम आ जाएगा, और उसके बाद क्या चाहिए तुम्हें, एवरेज चाहिए ना, तो एक और वेरिएबल लो डबल एवीजी असाइन विद सम अपॉन, रो में कितने एलिमेंट है, 4 है ना, एक स्टूडेंट का 4 मार्क्स है ना, 4 से डिवाइड कर दो, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए, सॉरी स्टूडेंट, और फिर यहां पे प्लस, अब यहां पे हमें एस टी यू की वैल्यू को यूज करना पड़ेगा बट नहीं कर सकते क्योंकि एस टी यू की वैल्यू यहां पे इस लूप में चेंज हो जा रही है, तो अगर इस कोड को हम इसी लूप में लिखते तो एस टी यू का यूज कर सकते थे बट अभी नहीं लिख रहे हैं, तो एक और वेरिएबल देना पड़ेगा उसके लिए, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं कैर एस टी यू 1, हालांकि ये ऐसे नहीं करना चाहिए बिना मतलब का इतना कोड लिख रहा हूं मैं, ए, और यहाँ पे एंटर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए, फिर प्लस देन डबल कोटेशन में इक्वल्स प्लस एवीजी, हो गया, और फिर उसके बाद एस टी यू 1 प्लस प्लस, रन करते हैं प्रोग्राम को, सो जावा सी, एरर क्या है भाई, एवीजी कैन नॉट फाइंड सिंबल, कौन सा सिंबल नहीं फाइंड कर पा रहा है भाई, डबल सम सम प्लस, ओके फाइन, हमें डबल को सम वेरिएबल को बाहर ही लेना होगा क्योंकि उसको इनिशियलाइज भी तो करना होगा ना जीरो से, सो डबल सम असाइन विद 0 एंड देन यहाँ पे सम असाइन विद सम प्लस मार्क्स, हालांकि एरर तो कुछ और दिखा रहा था, यही मैं भूल गया था क्या एरर है, एवरेज मार्क्स ऑफ, ओके मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूँ, यहाँ पे ए में मैंने लिख दिया, तुम लोग नहीं बोल रहे हो, एस टी यू 1 होगा ना, देन ओके अब एरर नहीं है, मैं क्लियर कर लेता हूँ,
then Java, two, D array. Enter the marks of student A, so 2, 4, 7, 0. Enter marks of student B, 5, 8, 10, 4. Enter the marks of student C, 9, 10, 10, 10. Enter the marks of student D, 7, 0, 4, 2. Dekho. Average marks of student A, average marks of student B, सबका आ गया. Calculate कर लो यही आएगा. समझ में आया सबको? Yes sir. ये प्रोग्राम सबको क्लियर हो गया ना? Yes sir.